जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि छह मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंश भाग अंतर्गत 86 केवटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 52.13% और 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50.97% मतदान हुआ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कई मतदान केंद्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। चार मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण CUF दो केंद्रों पर VVPAT बदला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष से भी मतदान प्रक्रिया के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। जिला नियंत्रण कक्ष से पल पल की सूचना ली गई और सभी समस्याओं का समाधान किया गया। आज जिला नियंत्रण कक्ष में अपर समाहर्ता राजस्व उप निर्वाचन अधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला पंचायती राज अधिकारी, आई मैनेजर के साथ साथ मास्टर ट्रेनर, कार्यपालक सहायक आदि उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। मतदान समाप्ति के उपरांत सभी फोल्ड EVM और कॉलेज के मधुबनी में सुरक्षित जमा किया गया। बूथ नंबर 176 प्राथमिक विद्यालय भेड़ियाई कौन विधानसभा है? कौन सा 38.5 कौन विधानसभा क्षेत्र है? मधुबनी 06। अपना पर्चे दीजिए, अपना पर्चे। कौन क्षेत्र है और कितना बूथ नंबर है, कितना बूथ गिरा, परसेंटेज क्या? विधानसभा क्षेत्र हुआ, बूथ नंबर हो गया 178, मदरसा खगड़िया। कितना परसेंटेज वोटिंग हो गई है? लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है। अपना पर्चे दीजिए। आज आपने वोटिंग करके आया है, क्या कहेंगे आप? आज हम वोट गिरा के आए हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा महसूस अपने आप में महसूस कर रहे हैं। आप मोदी जी से मेरा भी हमारे तरफ से बहुत बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है और अपने अपने 13 नंबर बूथ से हम वोट गिराए हैं। हम मोदी जी से नमस्कार कर रहे हैं हम और शांति बिहार के मैनेजमेंट और हेड है हम। और क्या नाम बताया गया? आपने भी वोट गिरा के आया है, क्या स्थिति है, कितने बूथ नंबर में वोट गिराए हैं? देखिए, जहाँ तक मधुबनी लोकसभा की बात है, और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम विक्रांत प्रताप साहू है, मैं कोयला स्थान पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हूँ और पंचायत मेरा नाम विक्रांत प्रताप साहू है मैं कोयला स्थान पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज लोकसभा का महापर्व है, मधुबनी में विकास के लिए लोगों का जो है काफ़ी क्या शोरगुल का तहलका मचा था। लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व के नाम पर जो है वोट किए हैं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ और आगे कांटे की टक्कर जो सुनामी आ रहा है, कांटे की टक्कर है। अशोक यादव, मोहम्मद अली सब खात्मे में। अब चुनाव परिणाम आने के बाद जैसा स्थिति ग्राफ आएगा वो सब लोगों के बीच की बात होगी। मित्र में वोटिंग हो रही है और कौन जगह है, कौन स्कूल है, क्या वोट का परसेंटेज है, क्या स्थिति यहाँ का है? 6 मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत 86 केवटी विधानसभा के बूथ नंबर 173 पर वोटिंग हो रही है। 1 बजे का रिपोर्ट यह है कि 159 पुरुष और 223 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। कुल 382 वोट अब तक गिर चुके हैं और प्रतिशत 51.27 हुआ है। कैसा माहौल यहाँ का है? बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। अपना परिचय दे और बूथ नंबर कितना है, क्या स्थिति है वोटिंग का? बूथ नंबर 174 है, मध्य विद्यालय कोयला स्थान दक्षिण है। सब अच्छा प्रकार से हो रहा है। कितने परसेंटेज वोटिंग हुई? लगभग 60% होने के बाद। कौन क्षेत्र में पड़ता है? मधुबनी। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। आपकी ईद को और भी खास बनाने के लिए अब आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर। तो देर मत कीजिए, इस ईद पर मेम साहब लेडीज वेयर से कीजिए शानदार कपड़ों की खरीदारी। शोरूम का पता है सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।
यहाँ मिलेंगे आपको एक से एक डिजाइनर वर्क फैंसी कपड़े जैसे कि प्लाजो, कुर्ते सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुनरी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। बताते चले कि यहाँ पर हर पर्व पर आपको मिलते हैं नए नए डिजाइन के कपड़े, वो भी बेहद उचित मूल्यों में।